आज हम जो टैक्स के इफेक्ट को किस तरीके से बना सकते हैं, हम टैक्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हैं, वो जो हम आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे जो मैं आपको बेसिक से जो है आज के इसमें तो आपको दो तरीके से जो है शेप को जो है बनाना सिखाऊँगा, आप टैक्स को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो, वो भी 3D लुक में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जो यहाँ पर कुछ भी टैक्स जो अभी के लिए टाइप करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो टैक्स को टाइप करता हूँ पावर बोम। ठीक है, अभी के लिए मैंने ये टाइप कर लिया। यहाँ पे सबसे मेन जो चीज़ होती है फॉन्ट। तो मैं यहाँ पे फॉन्ट जो है अच्छा सा फॉन्ट को यूज़ करता हूँ, तो मैं यहाँ पे जो है एक्स हाइटिंग को यूज़ कर रहा हूँ। ये इस तरीके से फॉन्ट है, बोल्ड फॉन्ट है। ठीक है, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ अभी के लिए। अब मुझे इसको मॉडिफाई करना है। ठीक है, तो मैं सबसे पहले अपने हिसाब से मैं मुझे जिस तरह से मॉडिफाई करना है मैं उस तरह की शेप जो यहाँ पर बनाऊँगा। जैसे मैं शेप बनाऊंगा मैं उसी तरीके से इस टैक्स को जो उसमें अलग रंग से इसको यूज़ करूंगा। तो आपको जिस तरीके से टैक्स को लगाना है उस तरह की शेप आप जो है एक बना दीजिए। तो मैं आपको थोड़ा आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पे जो है पॉलीगन टूल लेता हूँ एंड इसको जो यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। ओके ना, अभी के यहाँ पर देखिए इसमें जो है 5 एंगल इसमें हैं, लेकिन मैं इसको जो है लगभग मुझे मैं इसको जो है ओके इसको जो मैं 8 कॉर्नर में इसको कर देता हूँ ना। अब मुझे क्या करना है कि मैं इसकी जो कॉपी अलग कर देता हूँ क्योंकि मुझे चाहिए होगी ये। ठीक है, ओके ना, दूसरी हम इसको कॉपी करते हैं एंड इसको जो है चलो ठीक है अभी के लिए इसी पे हम काम करते हैं। ठीक है, मैं आपको दो तरीके से इसमें जो आपको बना के दिखाऊँगा। अब इसकी कॉपी करते हैं, इसको जो मैं जो है नीचे की तरफ इसको जो है ड्रैग करते हैं इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको इस तरीके से इसको जो है टैक्स को यहाँ पे यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, अब इन दोनों को सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से जो मैं इसको इंसर्ट करता हूँ। ओके नो, इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको डिलीट। अब मुझे अपना टैक्स जो है इसके अंदर जो है फिलअप करना है और मुझे अपने टैक्स को बिल्कुल इसी शेप की तरह जो है बनाना है। ठीक है, तो वो अब हम किस तरीके से करेंगे वो जो हम आज के ट्यूटोरियल में सीखेंगे। तो बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको स्टेप बाय स्टेप सब कुछ सीखना है। मैं इस टैक्स को अभी कॉपी करता हूँ, इसको साइड में रख देता हूँ। अब मैं इस टैक्स को लाता हूँ यहाँ पे, ओके बॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ शिफ्ट के साथ सी और ही प्रेस करूँगा नो। अब इस टैक्स को हमें छोटा करना है, इस तरीके से मैं इसको छोटा कर देता हूँ। ओके नो, अब यहाँ पे हमें पूरा खेल हमारा शुरू होता है। यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, एंड आपके पास अलग अलग वर्जन होंगे तो आप उनके हिसाब से देख लीजिए। और यहाँ पे जो आपको जो टूल बार में जाना हो, यहाँ पे आपको एक टूल मिलता है एनवलप। ठीक है, एनवलप टूल आपको यहाँ पे मिलता है, तो आपको जो इसको जो है क्लिक करना है। जैसे आप इसे क्लिक करोगे आपको जो टैक्स को जो सेलेक्ट करना है। ठीक है, अभी हमारा टैक्स सेलेक्ट नहीं है, तो हम क्या करेंगे टैक्स पे जाएंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, देन यहाँ से एनवलप टूल जो है सेलेक्ट करेंगे। जैसे टूल सेलेक्ट होता है तो आप यहाँ पे देखें कॉर्नर में इनके जो शेप के कॉर्नर में जो है अलग अलग तरीके से जो इसने जो है पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट कर दिया है, यानी यहाँ पे इनके जो नोड भी हमें मिल गई है। इन नोडों से हम जो है टेक्स्ट को जो है अच्छे से मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, ओके, अभी आप देखें जो हमारी शेप है इसमें जो है राउंड कॉर्नर नहीं बल्कि कॉर्नर क्या है शार्प है, तो हमारे टेक्स्ट भी क्या होगा शार्प इफेक्ट में जाएगा। ठीक है, तो शार्प के लिए हमें क्या करना है कि इसको जो सेलेक्ट करना है पहले नोड को। जैसे हम नोड को सेलेक्ट करते हैं यहाँ पे जो ये जो है शेप टूल हमें मिल गए ताकि इनको हम शेप यानी मॉडिफाई कर सकते हैं, लेकिन हमें जो इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है। ठीक है, तो अगर हमें इनको स्ट्रेट करना है तो हम यहाँ पर जब सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है ये यहाँ पर आ रहा है कर्व टू लाइन और कन्वर्ट टू कर्व। कन्वर्ट टू कर्व मतलब यानी कि पहले से कन्वर्ट टू कर्व है, इसमें नोड हैं तो ये घुमाएंगे तो ये जो कर्व हो जाएगा, लेकिन हमें टैक्स लाइनिंग में चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे कन्वर्ट टू लाइन। जैसे हम इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कन्वर्ट टू कर्व जो ओपन हो गया, क्योंकि अब अगर हम इसको कर्व करना है तो हमें यहाँ पर क्लिक करना पड़ेगा तो ये कर्व होएगा, लेकिन हमें लाइन में चाहिए तो हमने लाइन कर दिया इसको। अब हम क्या करेंगे यहाँ से सेलेक्ट करेंगे इसको एंड इसको ड्रैग करेंगे इस तरीके से एंड इसको इसको कॉर्नर पर इसको ला देंगे। ठीक है ना, सेम यहाँ पे भी हम इसको सेलेक्ट करेंगे। अभी ये कर्व कन्वर्ट टू कर्व है तो इसको हम क्या करेंगे कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे।
कन्वर्ट टू लाइन पर क्लिक करेंगे, ये जो लाइन में हो गया इसको सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से इसको ड्रैग करके हम ऊपर ले जाएंगे इस तरीके से, बिल्कुल इसके नोज पे मिला देंगे। अब यहाँ से राउंड होगा क्योंकि ये वाले शेप कर्व है, ठीक है, तो इसको कन्वर्ट टू लाइन करेंगे, तो यहाँ से उसे सिलेक्ट करेंगे एंड कन्वर्ट टू लाइन। जैसे हम लाइन करेंगे ये जो यहाँ से लाइन में हो जाएगा। ओके, अब इसको सिलेक्ट करते हैं यहाँ से एंड इसको जो यहाँ पे जो मिला देते हैं इस वाले कॉर्नर, ठीक है। नाउ सेम यहाँ से इसको भी कन्वर्ट टू लाइन कर देंगे एंड इसको भी कन्वर्ट टू लाइन। ओके, अब इसको जो है नीचे वाले को सिलेक्ट करेंगे, इसको इस वाले कॉर्नर पर मिला देंगे एंड इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है, एंड इसको इस वाले कॉर्नर पे मिला देंगे। सेम थिंग यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट टू लाइन एंड इसको भी सिलेक्ट करके यहाँ पे लाएंगे, ठीक है। ये फिर से राउंड हो गया तो इसको यहाँ सेलेक्ट करेंगे कन्वर्ट टू लाइन एंड इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इस वाले को सिलेक्ट करते हैं यहाँ से एंड इसको जो मिला देंगे यहाँ पे, परफेक्ट। एंड अब यहाँ से भी इसको सेलेक्ट करेंगे एंड इसको भी जो यहाँ से लगा देंगे यहाँ पे, ओके, एंड इसको भी सिलेक्ट करेंगे, इसको भी कन्वर्ट टू लाइन। तो अब यहाँ पे देखिए पूरा ये जो हमारा एक टेक्स्ट फ्रेम बन गया। इसको अगर साइड करते हैं तो ये देखिए, ये तो हमारा बॉक्स और ये हमारा टेक्स्ट का बिल्कुल ज़बरदस्त सा एक इफेक्ट बन गया। तो गाइस इस तरीके से आप जो है अपने टेक्स्ट को जो है मॉडिफाई कर सकते हैं बिल्कुल 3D लुक में। अभी 2D है लेकिन ये जो है 3D बन गया है बहुत ही ईजी ढंग से। आप जिस भी शेप में अपने टेक्स्ट को जो है मॉडिफाई करना चाहते हैं उस तरीके से आप जो टेक्स्ट को मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है। आपको जैसी शेप चाहिए आप वो शेप बना लीजिए एंड जिस शेप में आपको टेक्स्ट चाहिए उस शेप में आपका टेक्स्ट जो है बन जाएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आएगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और इसी पे मैं एक और वीडियो आपके लिए लाऊंगा जहाँ पे हम जो किसी प्रोडक्ट के ऊपर जो इस तरह की शेप को जो है बनाएंगे। तो तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।